ओम यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नेहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि बिना संकल्प को त्यागे कोई योगी हो ही नहीं सकता। इसी छोटे से उपदेश के साथ आज की इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं और आज बात करेंगे एक और आसन के बारे में जिसका नाम है कमलासन या पद्मासन। पद्मासन कैसे किया जाता है और पद्मासन की क्या विधि होगी, क्या इसके लाभ होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, आइए चलो वीडियो की शुरुआत। पद्मासन लगाने के लिए दोस्तों आपको पहले दंडासन में बैठ जाना है और इसकी विधि को अच्छे से ध्यान से समझना है, किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करनी है। दो पैर हमारे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, पहले राइट वाले को ले सकते हो और लेफ्ट वाले को ले सकते हो। हम पहले राइट से शुरुआत करते हैं। तो राइट वाले पैर को उठा करके लेफ्ट जंघा के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। अगर आपका ये पैर नहीं जाता तो आप है ना ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे वाला पैर उठाओगे और इस पैर को क्रॉस करके दूसरे वाली यानी कि उल्टे वाले पैर को राइट वाली जंघा के ऊपर पर हम रख देंगे और अपने हाथों को उठा करके ध्यान मुद्रा की अवस्था में हम आ जाएंगे। अब ये हमारा कमलासन यानी कि पद्मासन की आकृति हमारे शरीर के द्वारा निर्मित हो जाती है, बड़ा ही आसान है। और अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाती है तो इसको आप लंबे समय तक भी लगा सकते हो। अब कोई करना चाहता है तो इसको बिना हाथ लगाए भी कर सकता है। तो जैसे कि हम आपको सामने की तरफ दिखा रहे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, फिर हम ध्यान मुद्रा में इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये हमारा बिना हाथ लगाए हो गया पद्मासन। तो ये थी पद्मासन की छोटी सी विधि जो आपको फॉलो करनी है। अब इसके हम लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पद्मासन की विधि हमने आपको बता दी है, अब चर्चा करते हैं पद्मासन के लाभ के बारे में। तो पद्मासन का जो पहला लाभ है वो तो आप सामने की तरफ देख रहे हो, यानी कि हमारे पैर जो नीचे की तरफ जमीन पर टिके हुए, यानी कि स्थिरता हमारे शरीर के अंदर आती है, बुद्धि का विकास होता है, सात्विकता बढ़ती है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने में ये पद्मासन सहायक होता है। दूसरा इसका लाभ जो है बीमारियों से संबंधित है। अगर पद्मासन का हम अच्छे से अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट से संबंधित रोगों में भी ये लाभ करता है। तीसरा जो पद्मासन का लाभ है वो हमारी कमर की बीमारियों के लिए है, यानी कि कमर के रोगों में भी पद्मासन लाभ करता है। फिर चौथा जो इसका लाभ है पद्मासन का, वो पेशाब से संबंधित बीमारियों के लिए है। अगर आप पद्मासन लगाते हैं तो आपकी जो पेशाब से संबंधित बीमारियां हैं उनमें भी आपको लाभ मिलता ही रहेगा। अगला जो इसका पाँचवें नंबर का जो लाभ है वो ये है, अगर आप पद्मासन में ध्यान लगाओगे तो ध्यान आपका बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पद्मासन एक प्रकार से कमल को कहा जाता है, या इसको कमलासन भी बोलते हैं और पद्मासन, दोनों ही नाम इसके दिए जाते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठ करके ध्यान करोगे तो कहते हैं कि जो सहस्रार चक्र होता है ना उसको कमल की भांति कंपैरिजन किया जाता है। तो वहां तक हमारी मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो शक्तियाँ ऊपर की तरफ ऊर्ध्वारोहण होता है ना, तो ये हमारा आसन उसमें लाभ करता है। रीढ़ को ये सीधा कर देगा और रीढ़ जब हमारी सीधी होगी तो हमारी जो नेगेटिविटी है ना, यानी कि जो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रही वो ऊपर की तरफ बहने लगेगी धीरे धीरे करके। ये पद्मासन के कुछ मेन लाभ है। और भी इसके अंदर स्थिरता शरीर के अंदर आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा बनने लगता है। और हाँ, वात के रोगों में भी ये लाभदायक है, वात आदि रोगों में पद्मासन, टांग आदि की बीमारियाँ जो होती है ना उसमें भी ये लाभदायक है। बहुत सारे ऐसे रोग है जिनमें ये लाभ करता है। ये मेन जो इसके मुख्य लाभ है वो हमने आपको बता दिए है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को जरूर लाइक करना, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप मुझे पहली बार फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने ला। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपका।